क्या आपके बच्चे भी रोज रोज कुछ नया खाने की डिमांड करते हैं? तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मजेदार टेस्टी नाश्ता, जिससे आप भी खुश और बच्चे भी खुश। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर गैस पे एक स्टैंड लगा दिया और इस पर हम रखेंगे ये शिमला मिर्ची, और इसके साथ मैं रख रही हूँ ये टमाटर। तो शिमला मिर्च क्योंकि बड़े साइज की है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 टमाटर रख रही हूँ। अगर आप छोटी शिमला मिर्च का यूज़ करें तो 2 टमाटर भी काफ़ी हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, इनको घुमा घुमा के थोड़ा थोड़ा सा और अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ से अच्छे से 4 हो चुके हैं। तो हम इनको निकाल लेंगे। और शिमला मिर्च जो है हमारी अभी पूरी तरह से नहीं पकी है, तो बस इसको हम घुमा घुमा के अच्छे से और थोड़ा सा पकाएंगे। शिमला मिर्च भी बहुत अच्छे से भुन के तैयार है, हम इसको भी टोमेटो के साथ बोल में निकाल देंगे। इनको हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, फिर हम इनको छील लेंगे। तो जब तक हमारी सब्जियां ठंडी हो रही हैं, हम क्या करेंगे, एक बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लूँगी एक बोल में ये कटा हुआ पत्ता गोभी, साथ में हम इसमें डाल देंगे घिसा हुआ गाजर, इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज, और अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो आलू को मैंने ग्रेट करके पानी के अंदर डाल दिया था, जिससे कि ये काला ना पड़े, और बस हम इसको अच्छे से निचोड़ के इस मिक्सर में डाल देंगे। इन सब्जियों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस की और भी कोई सी भी सब्जी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच भर के गेहूं का आटा, और साथ में इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के चावल का आटा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा मटर, तो ये हरे मटर हैं, हरी मिर्ची, और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी चीज़ों को पहले हमें एकदम धीमे हाथों से मिलाना है, जिससे कि सब्जियों पे अच्छे से चावल के आटे और गेहूं के आटे की कोटिंग हो जाए। तो यहाँ पर अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप थोड़ी सी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको बेसिक अभी मिला दिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसको हाथों से ना इस तरह से अच्छे से रगड़ के मिलाएंगे। इससे क्या होगा, जितना भी सब्जियों का पानी है ना वो आटे में आ जाएगा, और हमारा बैटर जो है थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से दबा दबा के मिक्स कर लिया है, और ये मिक्सचर अभी काफ़ी ड्राई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से, और इनको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें ऑलमोस्ट आधा कप पानी मिलाया है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, मैं इसके इस तरह से बॉल बना पा रही हूँ। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम या ज़्यादा मिलाना पड़े, डिपेंड करता है आपकी सब्जियों के ऊपर। तो हम इसको साइड में रख लेंगे। तो जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, हम चटनी बना लेते हैं, क्योंकि ये सब्जियां बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। तो बस इनका जो काला काला पार्ट है ना, हम इसको इस तरह से हटा देंगे, और बस टमाटर को थोड़ा सा इस तरह से कट कर देंगे, और इनको काट के हम मिक्सी के जार में डालते जाएंगे। तो ये चटनी ना बहुत ही स्पेशल बनती है, बहुत स्मोकी फ्लेवर्स आते हैं, और बहुत डिफरेंट होती है खाने में। तो आप इस चटनी को किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, पर आप इस वाली रेसिपी के साथ ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। और बस अब हम ये शिमला मिर्च भी जो है ना, इसको हल्का हल्का सा छील लेंगे। तो मैं तो क्या करती हूँ ना, उसको पूरी तरह नहीं छीलती हूँ, क्योंकि जो इसमें बर्नट इफेक्ट आता है ना, जो स्मोकी फ्लेवर्स आते हैं, तो ये काला काला अगर आप थोड़ा सा इसमें लगा छोड़ देंगे तो उससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको छीलने के बाद ना वॉश करके फिर डालें। और बस अब हम क्या करेंगे, इसके भी जो बीजे हैं ना वो निकाल देंगे, और इसको भी कट करके मिक्सी के जार में डालेंगे। और अब मैंने लिए हैं यहाँ पे 5 से 6 सूखी वाली लाल मिर्च, और इनको मैंने बीजे निकाल के 15 मिनट के लिए सोक कर दिया था, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी थी, इसलिए मैंने इनके बीजे निकाले हैं। और बस हम इन मिर्ची को भी मिक्सी में डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे काफ़ी सारा लहसुन, मतलब 15 से 20 कली लहसुन डाल दें आप। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा। इन सभी को पीस लेंगे हम, और इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। और अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग, आधी टीस्पून राई के दाने, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और इनको हल्का सा मिक्स कर देंगे। और ये जो चटनी पीसी थी हमने शिमला मिर्च वाली, ये इसमें डाल देंगे, और बस इसको हम अच्छे से चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। तो ये देखिए चटनी को मैंने अच्छे से कुक कर लिया, आप देख सकते हैं इसमें बढ़िया तरीके से बबल्स आ रहे हैं। बस हम गैस को ऑफ कर देंगे, और इसको आप किसी भी बोल में ट्रांसफ़र कर लें, और आप इसको फ्रिज में रख के 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो चलिए अब हम नाश्ता तैयार करते हैं। तो अब हम एक चमचे में अच्छे से बैटर को फिल कर लेंगे, और अब आप कोई भी पैन ले लें और उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल लें, और ये बैटर जो है इस पर डालें, और धीमे हाथों से इसको चमचे से पहले थोड़ा सा फैला दें, मतलब थोड़ा सा पतला कर दें। और बस अब आप इनके जो साइड्स हैं वो इस तरह से हल्के से 1 से कर दें, जिससे कि ये गोल शेप में आ जाए। तो इनको हमें ना तो बहुत मोटा बनाना है और ना ही बहुत पतला।
तो मैं इसको आज तवा फ्राई बना रही हूँ। आप चाहो तो इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हो। तो बस अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ी देर तक सिकने देना है और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे जिससे ये अच्छे से और क्रिस्पी सिक सके। तो मैं आज आपको उसके दो वर्जन बनाने दिखाऊंगी, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा सिक चुका है, हम क्या करेंगे इसको पलट देंगे और दोनों साइड से हमें एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक इसे सेक लेना है। तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हो या फिर अगर आप बच्चों को सर्व करना चाहो तो आप क्या करो, थोड़ी सी जो चटनी हमने इसकी बनाई थी ना उसको पतली सी लेयर इसके ऊपर लगाया और इसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़। तो मैं यहाँ पर मोज़रेला पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये ना बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। साथ में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक किया हुआ धनिया और थोड़े से चिली फ्लेक्स और बस इसको कवर कर देंगे और 1 से 2 मिनट में जैसे ही हमारा चीज़ मेल्ट होगा ना हम इसको निकाल देंगे। तो ये देखिए चीज़ क्या बढ़िया मेल्ट हुआ है और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो बस आप इसको निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें या फिर आप इसको बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं, उनको बहुत पसंद आएगा स्कूल में। तो ये देखिए मैंने आपको इनको दोनों तरीके से बना के दिखा दिया है। जब मैं अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में रखती हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा पिज़्ज़ा स्टाइल बना के रखती हूँ, उनको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप घर पे बना रहे हो जो कोई चीज़ नहीं खाता है तो आप नॉर्मल पैनकेक की तरह इसको बना सकते हो। चटनी ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि इसकी चटनी इतनी अमेजिंग होती है ना कि इसका कॉम्बिनेशन में जब दोनों को खाएंगे ना तो स्वाद डबल हो जाएगा। और अगर आपको आज